पाइप जो है इसको स्लेब के ऊपर से लेना चाहिए, सही तरीका वो है। इसको अगर स्लेब के अंदर डालेंगे आज निकल, इसमें भी कचरा फंसेगा और ये पानी की सप्लाई के लिए बहुत हैरान करेगा। काम अच्छा करो, फायदे से करो, अपना ये कहना है। क्या कहेंगे मलिक भाई, ये जो काम हो रहा है इसके बारे में क्या है? भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ पूरे जनता के लोगों की जो आवाज़ है, ये जो नाला बन रहा है, एग्जिस्टिंग नाला जो है, कलवट जो है, मैंने इसके खिलाफ लेटर पहले भी दिया था 2 महीना पहले। वो जूना था, बना नहीं रहे थे, लेकिन भट्ट साहब जो कॉरपोरेशन के इंजीनियर है और सचिन नाइक ने मिल के बहुत प्रेशर किया, तो ये ठेकेदार नाला बनाना आ रहे हैं तो ऐसे बनाते जा रहा। आप लोग देखे होंगे कितने गाजे बाजे से रोड की ओपनिंग हुई थी, आज रोड की हालत क्या है, रोड क्रैक हो रहे, सेक्शन नहीं है। जब उसका एक्सवेशन बराबर नहीं करोगे, जो सेक्शन नीचे लेयर है, तो जाहिर सी बात है सीसी रोड है, और जब वो चलेगा तो क्रैक हो जाएगा, सारे रोड क्रैक हो गएंगे। आपको जैसे मेरे को मालूम अंदाजे 34 करोड़ का समथिंग ये सीसी रोड पास हुआ था MMRDA के उससे अंतर्गत, मैं सुना हूँ ऐसा मालूम पड़ा है कि 6 करोड़ और बढ़ गया। अब वो 6 करोड़ बढ़ के और कहाँ जा रहा है, जबकि नाले नहीं बन रहे। ये जब ओवरफ्लो होगा नाला, आप देख रहे हैं 1 फीट उधर से कम हो रहा है, 1 फीट इधर से कम हो रहा है, जबकि वो नाला इसको तोड़ना चाहिए। इस इंजीनियर से जब हमने बात किया तो उसने टेढ़ा जवाब दिया, और मैंने अभी कुछ घंटा पहले जो नोडल अधिकारी होता है, जिस लोकल अथॉरिटी का नोडल अधिकारी होता है, सचिन नाइक से मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो उन्होंने बोला सेक्शन के आधार पे हो रहा। बोला सेक्शन के आधार पे मैं कैसे मान लूँ, जब मैंने कंप्लेन किया था उनसे कि 3 फीट और डीप लेना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ बारिश में फ्लो बहुत ज़्यादा हो जा रहा, आप देख रहे किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जबकि ये 3 फीट का डीप का उन्होंने वादा किया था कि 3 फीट डीप और लूँगा। कुछ दिन पहले आप ही ने रिपोर्ट किया था, यही ठेकेदार यही कंपनी पानी बह रहा था और PCC कर रहा था। क्या क्या अजीब जोक है, रॉकेट साइंस, यानी जिस तरीके से मोदी जी बोल रहे थे गैस से चूल्हा जलाएंगे, वो गैस बनाएंगे, उसी तरीके से हमारे आमदार साहब और ठेकेदार रॉकेट साइंस बता रहे। भाई जनता टैक्सपेयर का पैसा है, काम जो करो जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसके तरीके होते हैं उस तरीके से करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं, जनता मलिक भाई ये जनता जनता तो ये जान रही है काम हो रहा है, फिर आप इसमें परेशानी क्यों ला? मैं परेशान इसके लिए हो रहा, आप देख रहे कितने तेज़ी से काम स्पीड हुआ हो रहा था। मेरे को मालूम पड़ा है कि शायद 6 करोड़ उसकी रनिंग बिल रुक गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कमीशन की वजह से बिल रुक रहा, अब कमीशन कौन ले रहा, कमीशन कौन खा रहा पता करे, जबकि 3rd ग्रेड का रोड बन रहा आप देख रहे हैं। जबकि मैंने शोएब भाई से, जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी के अध्यक्ष है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो बोले आने वाले सेशन में इसकी जो है मांग करेंगे कि कितना घटिया क्वालिटी हो रहा, आवाड़ साहब के माध्यम से इसकी मांग की जाएगी कि कितना 3rd ग्रेड का 40 करोड़ का जो काम हो रहा कहाँ जा रहा। जनता पूछ रही है, ईस्ट के लोग पूछ रहे हैं रोड कैसा बन रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। जी आमदार साहब का ये कहना है कि आप सिर्फ ईस्ट में ही चेकिंग करते हो, रोड बनते तो तकलीफ है, वेस्ट में कभी क्यों नहीं? वेस्ट में मैंने इसके पहले बोला भुयारी गटर योजना, मैंने आमदार मैं चोगले के ऊपर एलिगेशन लगाया, मैंने खासदार साहब जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि BJP के लोग मिलके भिवंडी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके देख रेख में ईगल कंपनी का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसके मैं इल्ज़ाम लगाया। इसके पहले मैंने कॉरपोरेशन में कई मीडिया वाले थे, अभी भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ BJP के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे इस रोड पे जो बार बार भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद भी यहाँ पे 3rd ग्रेड के घटिया किस्म के काम ये ठेकेदार कर रहा है, और इसकी निगरानी जब स्वयं बोल रहे थे आमदार साहब कि ये रोड हमारा है, तो जनता पूछ रही है कि इसकी क्वालिटी कैसी है भाई, 2 साल चलेगा कि 3 साल। अभी नाले का आपने जो उजागर किया था, देख लो नाला, ये आप देखो ना, 1 फीट इधर से कम होगा, 1 फीट उधर से कम होगा,
फिर वहाँ कम होगा, वहाँ कम होगा। 3 फीट डीप लेना चाहिए, जबकि इतना बड़ा कलवट है, नाला है, कम से कम 10 फीट का कंप्लीट डीप होना चाहिए। इंजीनियर मानने का तैयार नहीं है, डिक्टेटर जैसा यहाँ का इंजीनियर जो साइड इंजीनियर है, बोले हम ऐसे काम करेंगे। अब आप मीडिया वाले और जनता सवाल करें और पूछे कमिश्नर से और आमदार से, मैं तो यही कहूँगा। मेरा विरोध है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। शोएब भाई ने हमको बोला है कि जो जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हमको उजागर करना है, जनता को जागरूक करना है, जनता को बताना है। लोगों का तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो MLA रही है वो बहुत काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है? काम कर रहे हैं ना, कुछ दिन पहले आप ही ने वीडियो दिखाया था ना, बहते हुए पानी में वो खड़ी और रेती और वह जो RCM की मशीन आई थी वहाँ गिरा रहा था। आप बताएं, मैं क्या बताऊं? आपने खुद वो वीडियो देखा था, आपने डाला था, मीडिया में चले था। अब इससे आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए क्या है, आमदार साहब क्या ठेकेदार है, इन दोनों का क्या साठगांठ है। अब वो तो जनता बताए, और रईस शेख साहब को इसमें जवाब देना चाहिए, खुलासा करना चाहिए कि रोड की क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है तो आप देखो कि रोड क्रैक हो गए, अभी 2 महीना ही नहीं हुआ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।